हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पीवीआर स्टडी में। जैसा कि आप सभी जानते हो बच्चा कि सुबह 8 बजे आपकी क्लास 10th की मैथ चलती है, तो उसी क्रम में हम लेकर के उपस्थित हैं 4.2 की आपकी 9th की एनसीईआरटी मैथ है 4.2 क्वेश्चन नंबर 3। देखिए बच्चों, ये आपका लाइव में तो हो गया था लेकिन यार मज़ा नहीं आ रही थी उसमें, चूँकि कमेंट पढ़ने के चक्कर में क्लास काफ़ी डिस्टर्ब थी, तो मैं एक बार फिर से आपको पढ़ाऊँगा, इसको रिपीट करो। ऐसी दो संख्याएँ ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 है और उनका गुणनफल 182 है। मतलब दो ऐसे नंबर आपको ढूंढना है जिनको जोड़ दिया जाए तो 27 हो जाए और गुणा कर दिया जाए तो 182 हो जाए। तो पहले आप मानोगे, क्या मानोगे? माना पहली संख्या बराबर, क्या करोगे? पहली संख्या बराबर यक्स, ठीक है। अब हमने पहली संख्या एक्स मान लिया, कह रहा था कि जिनका योगफल 27 है। क्या बच्चा? योगफल 27 है। तो अब आप लिखोगे, दो शर्त है यहाँ पर, पहली शर्त के अनुसार ध्यान देना। तो पहली शर्त कहती है कि दोनों का योगफल 27 है, यानी हमारे कहने का ये मतलब है, इनके सवालों का ही मतलब है कि प्रथम संख्या और प्लस सेकेंड संख्या, यानी कि दूसरी संख्या है ना, बराबर कितना? 27। तो बच्चा पहली संख्या x मान लिया, धन क्या हो जाएगा? दूसरी संख्या, ध्यान देना, बराबर 27। तो यहाँ से दूसरी संख्या बराबर कितनी हो जाएगी? 27 माइनस x, याद रखना। ये क्या हो गई आपकी? दूसरी संख्या 27 माइनस x आ गई। यानी अब यहाँ से आपको चीज़ें समझ में आएंगी। देखो, अगर कुछ पल के लिए नहीं दिखता है तो टेंशन मत लेना, हम उसे ज़रूर सही करेंगे, तुरंत सही करेंगे, एक पल नहीं लगेगा। तो इस तरह से बच्चा आपका क्या हो गया? दूसरी संख्या कितनी हो गई? 27 हो गई। अब अगली शर्त आगे बढ़ो, कह रहा कि उनका गुणनफल 182 है, योगफल 27 था और गुणनफल कितना है? 182 है। तो ये तो हम योगफल तक कर लिए, अब हम लिखेंगे दूसरी शर्त के अनुसार। क्या लिखेंगे भैया? दूसरी शर्त के अनुसार। अब दूसरी शर्त इधर साइड में देख लो, जगह है ना यहाँ पे, तो चलो देख लेते हैं। पहले इसको लगा लेना, इतना लगाने के बाद क्या करोगे बच्चा लोग? इतना लगाने के बाद आप लिखोगे यहाँ पर ऐसे, दूसरी शर्त के अनुसार कहती है कि जिनका गुणनफल 182 है। तो बच्चा इसका मतलब ये है कि पहली संख्या गुणा सेकेंड संख्या, मतलब दूसरी संख्या, ठीक है, समझने की कोशिश करो, दूसरी संख्या बराबर 182 है। ये आपको समझ में आ रहा कि नहीं? ये दूसरी शर्त में कह रहा है। अब आपको क्या करना है बच्चा लोग, मान रख देना फटाफट, देर नहीं करना है भैया। तो मान रख दो, पहली संख्या x माना था, दूसरी संख्या 27 माइनस x आया है, इनका गुणा करके 182 के बराबर करो। अब देखोगे ये 27x माइनस x का स्क्वायर बराबर 182 आएगा। बच्चा इसको इधर ले आओगे तो बाबू कितना हो जाएगा आपका? ये 27x माइनस x का स्क्वायर माइनस का 182 इक्वल 0। इतना तो आपको क्लियर होगा, यहाँ से एक द्विघात का समीकरण बन जाएगा। आप यहाँ से इनके मूल निकाल लोगे और मूल निकालना हम उम्मीद करते हैं कि सभी बच्चे जानते हैं। इतना लिख लो, उसके बाद फिर हम इसको मिटाते हैं और आप सभी मूल निकालना जानते हो ना। तो चलो ठीक है, अब इतना आप सभी कर लिए। जो बच्चे इसको नहीं लिखे हैं, वीडियो को थोड़ा आगे पीछे करेंगे सब दिख जाएगा, जो मैं मिटा देता हूँ, टेंशन मत लेना, ये मत कहना कि हम मिटा देते हैं। और जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, जैसे मोहित, प्रियंका, ध्रुव, अनंत और आशीष, कौन कौन जुड़े हैं भाई, सोनम, सोनल, तो ये सब ये मत सोचे कि मेरा नाम नहीं ले रहे, ठीक है, नाम मैं नहीं लूँगा, क्योंकि अगर अच्छे से पढ़ाना है तो नाम लूँगा तो टाइम काफ़ी वेस्ट होता बाबू, ठीक है। तो टेंशन मत लिया करो कि हाँ आपका नाम नहीं बोल रहे इसका मतलब आप नहीं पढ़ रहे हो, मैं सबको देख रहा हूँ जो जो पढ़ रहे हैं। चलो तो आप क्या करोगे इसमें, ये तो हल ऐसे लिखा रहने दो, अब हमें सिर्फ और सिर्फ इसको हल करना है। आप अगर यहाँ ध्यान दो तो ये द्विघात का समीकरण है, लेकिन ये थोड़ा जो क्रम है वो गलत लिखा है। तो यक्स का स्क्वायर सबसे पहले करोगे तो माइनस का एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 27x माइनस का 182 बराबर 0। अब ये द्विघात समीकरण के जो स्टैंडर्ड रूप है उसके रूप का हो रहा है, लेकिन अभी पूरी तरह नहीं हुआ क्योंकि उसमें माइनस नहीं होता पहले ना, जो द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड रूप होता है। तो क्या करोगे बच्चा, फिर आप इसमें से माइनस का चिन्ह हटाने के लिए माइनस एक से दोनों तरफ गुणा करोगे, तो माइनस एक से गुणा करोगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस 27x हो जाएगा, ये धन 182 हो जाएगा, इक्वल 0 हो जाएगा।
यानी कुल मिलाकर के हमें मिल जाएगा x का स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल 0। गुणा करने पर 182 आए, जोड़ने पर 27 आए, ये आपको बताना है। चलो सभी बच्चे बताओ। भैया गुणा करने पर 127 आए बाबू, हाँ आ जाएगा, नहीं गुणा करने पर 182 आए, कर लो x का स्क्वायर माइनस 27 की जगह पे हम लिख सकते हैं 14 धन 13, जोड़ोगे तो वही आएगा और धन 182। देखो ये आपका क्लियर हो रहा है, ये 14x हो जाएगा, 14 को ऐसे लिखो ढंग वाला 4, और ये कोष्ठक खुलेगा तो ये 13x धन 182 इक्वल 0। ये x कामन लोगे x माइनस 14, इसमें माइनस 13 कामन लोगे, ये x माइनस 14 इक्वल 0। तो बच्चा ये x माइनस 14 एंड ये x माइनस 13, ये क्या होगा आपके दो इनके फैक्टर होंगे, लेकिन अभी ये उत्तर नहीं होगा। उत्तर के लिए अभी आपको कुछ और आगे बुझाना पड़ेगा, जहाँ नहीं दिखेगा टेंशन मत लेना। देखो मैं चारों तरफ दिखा दे रहा हूँ, इधर कुछ है नहीं ज़्यादा, ठीक है, बात समझ में आ रही ना। तो ये x का स्क्वायर था, इधर साइड 182 था, बाकी सब लगभग क्लियर हो चुके हैं, आप लोग इन्हें लिख लो जिनको लिखना है, उसके बाद हम आगे चलते हैं, इनको मिटाते हैं, बात हो गई है पक्की। अब क्या लिखोगे आप सभी बच्चे, ध्यान थोड़ा सा ध्यान दो, क्या करना है अब आप देखो, क्या करना है, कुछ नहीं करना है। अब यहाँ से हम x का मान निकालेंगे, बराबर 0 है ना, यहाँ लिखेंगे यदि x माइनस 13 इक्वल 0, तो x बराबर 13 ना भाई, उधर जाएगा तो प्लस, यहाँ ये 0 ही रहेगा याद रखना, इसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं करना। यहाँ पे लिखो यदि, ये ठीक है, लेकिन हमने क्या माना था भैया, हमने माना था कि माना पहली संख्या x और दोनों संख्या बताना था हम, अब लिखेंगे अतः अतः पहली संख्या x बराबर कितना 13 मान लो, तो दूसरी संख्या 27 माइनस x बराबर 27 माइनस 13 बराबर 14, ठीक है। अगर पहली संख्या 13 है तो दूसरी संख्या क्या होगी बाबू, 14 होगी। लेकिन एक बात और ध्यान देना, क्योंकि दोनों के मान जो है प्लस में आए, दोनों अलग अलग आए हैं, तो एक बार और नीचे लिखोगे, यदि पहली संख्या x बराबर 14 तो दूसरी संख्या 27 माइनस x बराबर 27 माइनस 14 बराबर 13 हो जाएगी। तो अगर वो पहली 13 होगी, दूसरी 14 होगी, तो पहली 13, मतलब दोनों अलग अलग होंगी, ठीक है। तो ये आपका पहला सवाल पूरा हो चुका है, अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप निसंकोच उसे हमसे पूछ सकते हैं। कैसे इसको मैंने हल किया था, किस ढंग से किया था, वो आप लोगों ने पहले से ही देखा था। और हाँ साथियों, इस तरह से आप बड़ी बड़ी क्लास के लिए आप PBR स्टडी का प्रीमियम क्लास जरूर ज्वाइन करें, और कमेंट करके बताएं कि हाँ आपको बड़ी क्लास चाहिए, फिर आपको हम बड़ी बड़ी क्लास देंगे, एक एक दो दो घंटे की क्लास देंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। इस वीडियो को 24 घंटे के अंदर आप हमें 1000 व्यू दो बस, केवल ओनली 1000, 1000 व्यू 24 घंटे के अंदर आ जाने चाहिए, मतलब कि 8 तारीख को मान लो, 9 तारीख को सुबह 8 बजे तक, 9 अक्टूबर सुबह 8 बजे तक 1000 व्यू हो जाएंगे, आपको हम एक ही घंटे की लाइव देंगे, ठीक है, इसी वीडियो में, लेकिन होने चाहिए 1000। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।